टीवी देखता है इंडिया। इस कोरोना काल में अगर बिहार सरकार की किसी विभाग की लापरवाही देखने को मिली है तो वो है स्वास्थ्य विभाग। हमने आपको तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं, तमाम वो अस्पताल की तस्वीरें दिखाई है जहां पर अस्पताल के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है और मवेशियों का चारागाह बना हुआ है। इसी कड़ी में हम आपको खगड़िया जो शहर है उससे सटे हुए रहीमपुर इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर विगत एक साल पहले ही कोविड 19 को देखते हुए, पिछले साल जब कोविड 19 का केसेज बिहार में देखने को मिल रहा था, उस समय इस अस्पताल को और बेहतर ढंग से बनाया गया था ताकि जो लोग हैं वहाँ पे, जो मोहल्लेवासी हैं, वो कहीं ना कहीं अपना इलाज भी वहाँ पे करवा सके, लोगों को सहूलियत हो। लेकिन साल होते होते वहाँ की तस्वीरों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कैसे बकरी और गाय भैंसे वहाँ पे देखने को मिलेंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर और नर्स दोनों को देखना बहुत दिन हो गया है, डॉक्टर और नर्स दोनों यहाँ नहीं आते हैं। आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए जी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या यही हो सकता है, जहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों के बजाय और इस भवन को देखरेख करने के बजाय वहाँ पर मवेशियों का चारागाह बना हुआ है। बाकी आप सुनिए वहाँ के ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं और अस्पताल की तस्वीर को देखिए और अंदाज़ा लगाइए जो बिहार की अस्पताल की जो व्यवस्था है वह किस तरह जो है खस्ता हालत पर है और ऐसे में कैसे स्वास्थ्य की जो विभाग है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आप सोचिए और अंदाजा लगाइए बिहार की असल स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर क्या यही है। ग्राम ननकू मंडल टोला में 6 बेड का ये अस्पताल बना है जिसमें लाखों की लागत से ये अस्पताल निर्मित है। बावजूद इस अस्पताल में नियमित रूप से ना तो डॉक्टर ना तो नर्स बैठते हैं या ग्रामीणों को जो है स्वास्थ्य सुविधा समय पर उपलब्ध हो पाता है। फलस्वरूप यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों महिलाएं को खगड़िया सदर अस्पताल हो या फिर खगड़िया के निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है, स्वास्थ्य उपचार कराना पड़ता है, जिससे लोगों को जो है काफी परेशानी होती है। इस अस्पताल के बनने से हम लोगों को लगा कि यहाँ ग्रामीणों को, पंचायत वासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध सहज रूप से। लेकिन वर्तमान वो डॉक्टर्स की कमी भी, मैन पावर की कमी है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ जगहों पर हेल्थ सब सेंटर उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहे जैसा हमको चलना चाहिए। तो प्रयास यही है कि इसको जैसे ही मैन पावर सुदृढ़ होता है, सरकार भी इस पर काम कर रही है, डॉक्टर्स की हायरिंग वगैरह की प्रक्रिया जारी है, यदि वो होता है तो शीघ्र अतिशीघ्र उन सारे केंद्रों को भी पूरी तरीके से हम लोग फंक्शन बना सकेंगे। और अगर कहीं पर अतिक्रमण का मामला संज्ञान में है, मुझे सूचना मिली है कि कुछ जगहों पर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वगैरह है जैसे मक्का और धान इत्यादि भी रखा गया था और कहीं पर गाय वगैरह भी लोगों ने बांधा, उन सब के लिए हम लोगों ने सीओ को निर्देशित किया कि इसको अतिक्रमण शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त कराएं और उन हेल्थ सब सेंटर्स को पूरी तरीके से फंक्शन कराने का प्रयास जो है सिविल सर्जन को अपने स्तर से भी कराना चाहिए। सिविल सर्जन को मैंने निर्देशित भी किया है, ACMO ऐसे ही एक 2 स्वास्थ्य केंद्रों का जांच करने के लिए मैंने स्वयं भी उनको भेजा था और उसमें कई अनियमितताएं पाई गई, तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो ई हॉस्पिटल में इलाज हो छे? ना, इलाज नहीं है। किया इलाज वाला सामान नहीं है तो इलाज होता ना। किया डॉक्टर है? नहीं, डॉक्टर नहीं आवे छे, तले लगल रहे छे। हां, ये खाली एना में आवे छे, महीना में सुइया दे के चल जाए। कोरोना के समय में डॉक्टर साहब या ANM और कोई ले दवाई आर दिले? ना, कोई नहीं ले। टीका नहीं पड़ले? ना। अहाँ बीमार पड़े छी तो कहाँ जाए छी? खगड़िया जाए छी। ई हॉस्पिटल नहीं बंद रहे छे? हाँ, बंद। बाकी देश दुनिया के तमाम खबर आप देखते रहे IBTV।